और वो वहाँ पे जो बल्दिया के मुतासरीन हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनको मुझे ये भी बताया, ये इतला भी है कि साबिर कायम खानी को इस्लामाबाद जाना है, टाइम कम है और ये यहीं पर बैठेंगे मेरे साथ स्पेशल सीट पर, यहाँ तशरीफ़ लाएँ सर। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि इनको नहीं, आप बैठ जाएँ, कोई मसला नहीं, मैं साइड सिंगल हो जाऊँगा। ये देखें, अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये सिर्फ कैपिटल टॉक में नहीं बैठते, सिर्फ जो बड़े बड़े शोज़ होते हैं उसमें नहीं बैठते, बल्कि ये आप देख रहे हैं फुटपाथ पे सारी प्रेस क्लब के बराबर में, जहाँ पर मैंने पहले से इनके लिए मोर्चा लगा के मैं बैठा हुआ था, कैमरा चालू था, तो मैंने कहा यार साबिर कायम खानी भाई से जो कि हमारे दरबार से है, मैंने तो बहुत दिनों इनसे बातचीत नहीं, थोड़ी सी दो चार बातें इनसे कर लें। पहले तो ये कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई, कैसा रहा आपका आज का धरना और क्या तवक्कुआत हैं आपको इससे? देखिए, धरना जो था ये वो अवामी उमंगों का आईना दार था कि जिसकी ज़रूरत थी, इसलिए कि हैसकों के मजालिम इतने बढ़ चुके थे, ख़ासतौर पर बारिश के बाद कि थोड़ी बारिश हो, लाइट का चला जाना, तीन दिन दिन बहत्तर बहत्तर घंटे लाइट का ना आना, शदीद गर्मी में ट्रांसफार्मर्स का उड़ जाना, उसके बाद जब ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं तो उनके बनाने के लिए आवाम से चंदे और रिश्वत का बाजार गर्म कर देना, सिस्टम बोसीदा हो चुका है, छोटे बुश छोटी चीज़ें जो एक क्रेन के आने से हो सकती हैं वो ना होने की बुनियाद पर आवाम में लावा पक रहा था। हमने आवाम के जज्बात को देखते हुए पहले वज़ीर से बात की, असम्बली में बात की, असम्बली फ्लोर पर बात की, और फिर जब देखा कि मसाइल के लिए संजीदा नहीं हुआ जा रहा, वो के इस हमारे एहतियात पे मैनेजमेंट दो दफ़ा चेंज हो गई, कि जो भी ऑफिसर आता है वो एक जहन लेके आता है, उसके उसको आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं होता। आज अलामती भूख हड़ताल हमने की, उसमें हमने मुतालबा किया कि सबसे पहले अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, आप वापडा और हेस को मिलकर तो अपनी डिडक्शन बिलें उनको जस्टिफाई करें, ओवर बिलिंग बंद की जाए, आप अपने सिस्टम को इतना अच्छा कर दें कि कहीं अगर चोरी हो रही हो तो उसको रोकना, उस पर तवज्जो देना, उसको पाबंद करना आपका काम है। ये सब चीज़ें हमने उनसे मुतालबा रखा है, और आज जो हमारी अलामती भूख हड़ताल थी इसमें पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट थी, तमाम शहरी अंजुमनों की, चैम्बर की, इस्माल की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, सबकी हमें हिमायत हासिल थी, और सबसे बढ़ के वो हमारे सियासी हमारे दोस्त जो शहर में सियासत करते हैं, इस मसले में सब एक आवाज़ है, हम आवाज़ उन्होंने आवाज़ उठाई, वो कैंप पर आए हमारे साथ, उन्होंने किया, आप देखेंगे आज हम पूरा दिन बैठे, हमने कहा आवाम से पहले नुमाइंदे कुर्बानी देंगे, MNMP ने भूख हड़ताल की, सुबह से ये टाइम हो गया है, तो अभी हमारी हालत भी ऐसी हो रही है जैसे एक रोज़ादार की होती है, उसका अजर तो अल्लाह ताला के पास होता है, लेकिन हमें ये पूरी सुन के कि हमारे नुमाइंदे ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, बहुत सारी खवातीन आ गई, बाजियाँ आ गईं, औरतें आ गईं, बच्चियाँ आ गईं, नौजवान आ गए, माजूर अफराद आ गए। आज हैदराबाद के मैंने दो बच्चों को देखा जिनका कद पूरे दो फिट सवा दो फिट, वो आके हमारे साथ भूख हड़ताल में शरीक हुए, तो ये आवामी मसला है, इंशाल्लाह इसको मिलकर करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज़ ये है कि आप साबिर भाई आपने इसके लिए काफ़ी लोगों से रबते भी किए, आपके जोन में रवाज में पूरे एक मसला चलता रहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप जिसके इत्यादी हैं विफाक में, आप पर तनकीद की जाती है MPM पाकिस्तान पर कि आप विफाक में इत्यादी हैं और हुकूमत के साथ हैं, फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आपके एहतजाज का मकसद सूबाई हुकूमत को प्रेशराइज करना है? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेहाद है, वो आवाम से इत्तेहाद है, हमें आवाम ने वोटों से मुंतखब किया है, आवाम के मसाइल हल करने का हमने उनसे वादा किया है, ये गो ज़रूर है कि मसाइल जो है हल करने की ताकत और वसाइल हुकूमत के पास होते हैं, हमने एक हुकूमत से इत्तेहाद किया, अपने मुतालबात रखे, वज़ीर साहब के कहने पे गवर्नर हाउस में दो मीटिंगें हो गई, उसके बावजूद अगर हेस्को चीफ और उनके लोग जो अपने किबला दुरुस्त ना करें और यहाँ पे आवाम मसाइल के शिकार रहें, तो ये हमारा हक है कि अपने जमहूरी हक इस्तेमाल करें। प्रेस क्लब एक मौजूद मोहतरम ने भी यहाँ के अपनी आवाज़ उठाई है, आपके जरिए से आवाज़ हमारी जहाँ तक पहुँचेगी ज़रूर दिल पर असर करेगी, और उन्होंने अगर अपने किबला दुरुस्त नहीं किया तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं कि आज ये भूख हड़ताल कल को इनके ऑफिस के बाहर भी हो सकती है, आज अलामती भूख हड़ताल थी, कल को तादा में मर भी भूख हड़ताल हो सकती है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 की बात की जा रही है कि अगर ये मसले हल नहीं हुए हैदराबाद के तो ABCD तमाम चीज़ें की जाएंगी और मरलावार जो है एहतजाज किया जाएगा। हाँ भाई देखें, पहला तो हमने एहतजाज का ये अलामती दिखा दिया और ये भी बता दिया किसे मुत्तहिदा कौमें नहीं, पूरी आवाम इस मामले में एक जबान है, उसके बाद हमारा असेंबली का फ्लोर है, उसके बाद इनके ऑफिसेज हैं, और फिर ज़रूरत पड़ी तो कोर्टों के भी दरवाजे हैं और बहुत सारे हैं जो जो सियासी और जमहूरी तरीके इख्तियार किए गए हैं। एक आखिरी सवाल कि आपकी इत्यादी जमात का कोई झंडा नज़र नहीं आया जिसके साथ आप विफाक में मुत्तहिद हैं, क्या आपने उसको दावत नहीं दी थी? दीगर मजहबी सियासी जमातें जिनका बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है आपसे,
वो भी मैदान में मौजूद थे, इस इशू पे आप लोगों का साथ दिया, ताजरों ने भी साथ दिया, लेकिन पीटीआई नज़र नहीं आई। देखिए मैं इसका बताऊँ कि जब हमारे इसकी धूम मची, सोशल मीडिया पे चला कि अब ये भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, तो पीटीआई के जो MNS थे, हमारे कुलीग्स थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि अगर हम हैदराबाद हुए तो हम ज़रूर आपके मुजाहरे में शरीक होंगे, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में सेशन चल रहा है, मैं भी कल रात को पहुँचा और अभी फिर वापस जा रहा हूँ सेशन अटेंड करने के लिए, क्योंकि FTF जो बिल हैं, FATF बिल जिनको हम कह रहे हैं, और जो कौमी मफाद की बिल है वो उसमें, इस मामले में वो हमसे एक पेज पर हैं कि वो चाहते हैं कि हेस्को का मसला हल हो, हेस्को डिस्को हेस्को सेपको और केसको सारे मसाइल हैं, सब हल करना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने फुटपाथ से मेरे साथ बैठ के और यहाँ पर ये साबित कर दिया कि हमारे जो फयाज के फयाज आवान हमेशा मुझे इम्तिहान में डालते हैं, आज इन्होंने मुझे फुटपाथ पे बिठाया है। एक दफ़ा इन्होंने बहुत एक गंदे पानी में, जहाँ कोई चलता नहीं था, वहाँ के शहरी वहाँ के रहायशी वहाँ नहीं चल रहे थे, तो इन्होंने मुझे समझा कि मैं कोई आम MNA हूँ, लेकिन मैं मुतहदा हूँ, उनका हकपरस्त MNA हूँ। शहरी रिहायशी पाँव नहीं रख रहा था, हम दोनों ने पाँव रख के वहाँ इंटरव्यू किया था और कहा था कि देखो हम आप लोगों के साथ आपके लिए ये भी कर सकते और उस मसले को हल भी करवाया था अल्लाह के हुक्म से। तो हम जहाँ उतर जाते हैं मैदान में, वो मैदान हम जीत कर, आपने पहले टाइम नहीं लिया, बल्दिया वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका भी मसला है, भाई हैं, कवानीन का ज़रूर कहीं ना कहीं मतलब होता है, जिस पर मजबूर होती है इंतजामिया, तो मैं ये कहता हूँ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनका मसला होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ बैठे मेरे साथ, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर कायम खानी भाई और उसके सारे साथियों का, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस फुटपाथ पे बैठ के मेरे साथ बातचीत की मुझसे। आप कर लो बात, नहीं नहीं आप टिकटॉक बन जाएगी इससे, कर लो कर लो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम भूख हड़ताल कर रहे थे हेस्को डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, और क्यों ना करें, क्योंकि इन्होंने हमारी वाट लगा दी, हम बहुत परेशान, बेइंतहा परेशान हो चुके हैं, वाट लगा दी, देख सकते हैं आप लोग क्या हाल है हमारा। नाम क्या है? मेरा नाम अदील। ठीक है, बहुत थैंक यू अदील, बहुत बहुत शुक्रिया अदील, मेरे पास बैठे हैं सेक्शन मार के चश्मे लगा के, मतलब भाई मैंने कहा यार टैंकर में हूँ या ये आकर बैठ गए। बहरहाल वही है जो वहाँ पे टिकटॉक में होता है, वो जो बंदे कहते हैं कि यार वो बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, वो बीच में मुंह कर रहे थे, बोलते हैं यार तुम कर लो बात, मैं बाद में कर लूँगा, इसलिए मैंने कहा, क्या नाम है? अदील। अदील अदील ने मैंने कहा कि आप बात कर लो, आप सबका शुक्रिया, इमरान भाई है सबका, सबका शुक्रिया, सबका साथ और सबका भी शुक्रिया, और वीडियो शेयर करें, और एम फयाज खान, फयाज खान आवान की ID पे आएँ और ये वीडियो देखें और इसको शेयर करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।